नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल नॉलेज इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। इस चैनल के लिए मैं राजकुमार चौरसिया। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किसी भी फोटो को PDF में कैसे कन्वर्ट करें। फ्रेंड्स, इसके पहले भी हमने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था, लेकिन फ्रेंड्स उसमें क्या था कि उस PDF में आपको फ़ोटो को PDF में बनाने में कुछ इशू का सामना करना पड़ रहा था, जैसे उसमें आप फ़ोटो को सिलेक्ट करते तो फ़ोटो को पता नहीं चल पाता आपको कि ये फ़ोटो कौन सा सिलेक्ट हो रहा है। आपको किसी न किसी साइटेड पर्सन की, किसी न किसी नॉर्मल पर्सन की सहायता लेनी पड़ती। फ्रेंड्स, वो एप्लीकेशन ऐसा था, लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसा एप्लीकेशन लेके आए जिसमें आपको बिना किसी साइटेड पर्सन की सहायता लिए बिना आप डॉक्टर के साथ ही बहुत ही ईजी तरीके से और ऑफलाइन किसी भी इमेज को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से। इसके लिए फ्रेंड्स, आप ये वीडियो जब पूरा देखें, वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स से अपना सुझाव अवश्य दें। यदि आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से ज़रूर सीख कर जाएंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें जाना होगा गूगल प्ले स्टोर में, डाउनलोड करना होगा एक एप्लीकेशन। हमने ओपन किया फ्रेंड्स प्ले स्टोर। यहाँ पे हमको लिखना है PDF मल्च। टाइप किया फ्रेंड इस पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी टाइप कर रखा हूँ इसलिए मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ। आप पी लिखिएगा, डी लिखिएगा, एफ लिखिएगा, एक्सप्रेस लिखिएगा, MURCH। आप इतना लिखेंगे आपको सेकेंड नंबर पे जो एप्लीकेशन मिलेगा यही ये देखिए। ये है, टैप किया हमने इस पर। अब यहाँ पे हमें अनइंस्टॉल ओपन दे रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है अपने फ़ोन में, इसलिए मुझे अनइंस्टॉलर ओपन दे रहा है। आपको यहाँ पे इंस्टॉल बटन मिलेगा, आप इंस्टॉल बटन पे टैप करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन ऑफलाइन काम करता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इस एप्लीकेशन का यूज़ करें तो अपने मोबाइल का डेटा जरूर ऑफ करके यूज़ करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का ऐड ना आए और आपको एक्सप्लोर करने में आसानी हो। मैं ऑफ कर लेता हूँ फ्रेंड्स। हमने फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है PDF मल्च। इसमें कई ऑप्शन हैं, लेकिन हमें देखना है JPG टू PDF। किसी भी JPG को हम PDF में कैसे कन्वर्ट करें, चाहे वो JPG फॉर्मेट में फोटो है, PNG फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में हम उसको आसानी से PDF में कैसे कन्वर्ट करें। फोटो का मीन्स कोई भी साइज हो, कोई भी टाइप हो, हम उसे आसानी से इजी डॉक्यूमेंट के साथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसलिए आप डायरेक्ट अपने फाइल से जाकर सेलेक्ट करने का आपको ऑप्शन दिया है, सबसे अच्छी बात है। आप फाइल में जाएंगे, यदि आप फाइल में अपने फ़ोटो को उस रीनेम के थ्रू रखे हैं, कोई फ़ोटो आप उसमें नेम लिखे हैं, डायरेक्ट आप उसी तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे और उसी लाइन से सिलेक्ट होगा। फ्रेंड्स, मैं अभी आपको दिखाऊंगा डॉक्यूमेंट के साथ में, आपको बहुत ही इजी तरीके से आप फोटो को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम टैप करते हैं इस पर JPG टू PDF। टैप किया, आगे आप टाइप करिएगा मॉडिफाई साइज, टैप अनलिबोर्ड दे रहा है, टैप आगे उसके अनलिबोर्ड टू ऐड फाइल। ठीक, ये बता रहा है कि अब अगर आपको ऐड करना है कोई फाइल तो आपको अनलिबोर्ड को टैप करना पड़ेगा लिख पैड, लेकिन उसके आगे आप लिया एक ऐड टू डू आइटम। पहले हम इस पर टैप, हमको इस पर टैप करना पड़ेगा, इस पर हमें टैप किया, उसके बाद में फिर आप बटन अनलिबोर्ड पर नहीं करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। देखिए, उसके बाद आप जैसे ही आप करेंगे उस पर टैप, वो था ऐड टू डू फाइल पे। आप जैसे ही टैप करेंगे, देखिए आपके फोन में सब यहाँ पे आपका शो करने लगा। देखिए अनलिबोर्ड टू ऐड फाइल के आगे देखिए सब शो करता है, फाइल ऐड फाइल आपके फोन में जो है, देखिए आपके डिवाइस में जो भी फाइल है वो सब यहाँ से आप ले सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स या क्लाउड ड्राइव यहाँ से उससे आप ले सकते हैं।
आप यदि कोई टेक्स्ट में है उसको आप यहाँ से इमेज में करके पीडीएफ में कर सकते हैं। यहाँ से कैमरा से स्कैन करके ले सक बना सकते हैं पीडीएफ में, वेब से ले सकते हैं यहाँ किसी वेब से। तो फ्रेंड्स हम अपने फाइल मैनेजर में चलते हैं, जो फोटो सेलेक्ट करना उसको सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद टैप के ऐड फाइल टैब पे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा हमारे फोल्डर में आ चुका है, आपको जिस फोल्डर से लेना है उसमें जाइएगा। यहाँ पे ऊपर आपको शोरूम का ऑप्शन मिल रहा है, आपको उसके बाद ओपन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए क्या क्या है, ओपन फॉर्म रिसेल, इमेजेज, डाउनलोड, डिसेबल आगे दिया है, एसडी कार्ड, इजेक्ट, यहाँ आपको सब ड्राइव शो कर रहा है। सिर्फ फ्रेंड इसमें इंटरनल मेमोरी का ऑप्शन यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। आप या तो इमेज में डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपको उसमें जितने इमेज रहेंगे सभी यहाँ पर शो करेंगे, तो आप एस टी कार्ड में आप उसको रख लीजिए, गूगल ड्राइव से चूज कर लीजिए। फिर मैं अपने एस टी कार्ड में चलता हूँ, वहाँ से चूज करता हूँ डॉक्यूमेंट आर के। मैं अपने फोल्डर को ओपन किया, जो मैं जितना फोटो को ऐड करना चाहता हूँ उसको चेक करता हूँ। आधार कार्ड जेपीजी सेलेक्ट किया, इस पर टैप करके होल्ड आप करेंगे थोड़े 2-3 सेकंड तक ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको होल्ड देकर पड़ेगा, डायरेक्ट आप जिसको भी ऐड करना चाहते हो उस पर आप टैप करेंगे, डबल टैप ऐड हो जाएगा। डबल टैप किया तो सिलेक्टेड बोल दिया, टैप किया सब इन के आते हैं, टैप किया फाइव। इतना हमारा हो गया, हमने 5 क्वेश्चन किए। अब आपको यहाँ राइट कॉर्नर में राइट अप में ऊपर तरफ जहाँ 3 डॉट मिलता है उसके जस्ट बगल में आपको सिलेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है। देखिए सिलेक्ट, इस पर हम जैसे ही टैप करेंगे डबल टैप आगे क्या आगे फिर से हमारा वही सब कुछ हो आ गया है। आपको बैक होम रिसेंस कह सकते हैं, रिसेंस और होम के ही, या किसी किसी फोन में बैक होता है राइट साइड में, बैक और होम के ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, देखिए बैक ड्रॉप। आप इसके आगे स्वाइप करते जाएंगे, आपके फोन जितने आपने जो सिलेक्ट किया आपका रिनेम शो करेगा। रिनेम के नाम से देखिए इसे, आधार कार्ड कितने के बिका है बता रहा है, पहले नंबर पे है 1। आइटम सिलेक्ट है, उधर आइटम सिलेक्टर सिलेक्ट कर लिया गया है। देखिए दूसरे नंबर पे है 2 of 5, 5 में दूसरा ही नंबर पे है ये, तो बता रहा है आपको। तीसरा देखिए, ये 4 of 5, ये सब में सिलेक्ट है। बाद आप आगे स्वाइप करेंगे या किलो बाइटर से भी कर सकते हैं, आपको ऑप्शन देगा ऐड करने के लिए। मर्ज पे देखिए हम स्वाइप कर लेते हैं, मर्ज पीडीएफ आइटम टैप करके लिख रहा है, नंबर क्लिक कर रहा है। जैसे हम इस पर टैप करेंगे, टैप किया सेव पीडीएफ, आगे देखिए सेव, एंटर फाइल नेम। अब आपका पीडीएफ जो बनेगा किस नाम से आप चाहते हैं बने, तो आप वो डाल सकते हैं। आपने R A J डाल दिया, इस नाम से मेरा पीडीएफ बनेगा। आगे देखिए ये पीडीएफ की साइज पूछ रहा है, आप यहाँ पे क्या बात है लो, क्योंकि आप कन्वर्ट होगा किस साइज में हो, कंप्रेस साइज में हो, लो साइज में हो या मीडियम साइज में हो या हाई साइज में हो। मैं हाई पे टैप करता हूँ, मैं चाहता हूँ हाई साइज में हो। सेव, यहाँ से हाई सेलेक्ट कर लिया, आगे आप दिया नॉट चेक सिक्योर पीडीएफ, मैं इस पर टैप कर दूंगा। यहाँ से आप पासवर्ड लगा सकते हैं, लगाना चाहें तो, अगर आपको लगाना है पासवर्ड तो आप इसको चेक करिए, नहीं लगाना है तो आप इस पर मत टैप करिए, क्योंकि हम पासवर्ड नहीं लगाना चाह रहे फ्रेंड, तो हम इस पर टैप नहीं करेंगे। आपको ऊपर तरफ राइट अप में सेव का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे आप सेव पे टैप करेंगे आपका होगा। देखिए मैं सेव पे टैप किया, अब फ्रेंड्स ये हमसे पूछ रहा है कि आप इसको सेव कहाँ करना चाहते हैं। देखिए ऊपर हमारा शो कर रहा है नाम, जहाँ पे व्हाट्सएप पे आपको सेंड ऑप्शन मिलता है उसी की पे से, वहीं पे आपको यहाँ नीचे सेव का ऑप्शन मिल रहा है। आप उसके थोड़ा सा ऊपर टच करेंगे आपको, तो आपको यहाँ दिखा रहा है जिस नाम से आपका पीडीएफ आप रिनेम डाले हैं वो शो कर रहा है।
तो फ्रेंड्स मैं इस फाइल में ऐड नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं पे सो रूट पे क्लिक करूँगा। मैं डायरेक्ट एस टी कार्ड में बाहर करूँगा, किसी फोल्डर के अंदर नहीं। एस टी कार्ड पर टैप किया, देखिए राज पी डी एफ हमारे नाम से है, ये सेव पे हम करेंगे, हमारा सेव जाएगा। देखिए क्या बोला, मर्ज पी डी एफ डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली। इस तरह से फ्रेंड हमारा ये सेव हो चुका है। देखिए डायरेक्ट यहाँ से ओपन करने के लिए दिया ड्राइव, फिर वो सब ओपन करने के लिए यहाँ दे दिया कि मैं आपको फाइल मैनेजर में बैठा था कहाँ गया। हम वाई फाइल में गए, एस टी कार्ड ओपन किया, कि आपको लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको, क्योंकि ये कोई फाइल में नहीं आपने चूज किया, इसलिए सबसे लास्ट में ध्यान रखिएगा। कोई भी आप डॉक्यूमेंट या मेमोरी कार्ड में एंटर में कहीं भी रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स लास्ट पीडीएफ टाइम बता रहा, 1/11/2037 पे हमारा हुआ है। देखिए टाइम भी आपको देखिए इतना हो रहा है, वही टाइम हो रहा है। हम इस पर आपको टैप करके दे देते हैं, क्योंकि हमने 5 ऐड किया था, 5 रुपये का हुआ है। नहीं टैप किया, ओपन हुआ। देखिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा हुआ है जो हमने ऐड किया पहले, वो आधार कार्ड है। देखिए 2/5 फ्रेंड्स हमारा 5 पेज का हो चुका है। फाइव ऑफ फाइव, पांचवा पेज में लास्ट वाला ओपन किया, स्क्रीन पे दिख रहा होगा ओपन किया है। इस तरह फ्रेंड्स हमारा फोटो पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह से इजी हम बिना किसी नॉर्मल व्यक्ति की सहायता लिए बिना अपने पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं फोटो को। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। Silent notifications. Stop.